हेलो गाइस, मेरा नाम है मुजक्किर और आप देख रहे हैं मुजक्किर 360। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कोरोना वायरस जो यूएई में हुआ है आज, क्योंकि यूएई के मेरे कुछ भाई हैं जो मुझे मैसेज कर रहे थे और उनको अपडेट्स चाहिए थे। उनको इस तरह की वीडियोस पसंद आ रही थी। कल यानी वेनसडे का अपडेट है, 150 नए केसेस यूएई में रजिस्टर हुए कोरोना वायरस के, और उसके साथ ही 2 डेथ भी हुई है, जिसमें से एक डेथ हुई है 62 ईयर्स ओल्ड बुजुर्ग की जो एशियन सिटीजन थे, और दूसरी डेथ हुई है 78 ईयर्स की जो जीसीसी नेशनल थे। और इसी के साथ डेथ का जो आंकड़ा है उनका 8 हो चुका है, यानी कि 8 डेथ हो चुकी है। तो दूसरा अपडेट है लॉकडाउन को लेकर। वहां पर यूएई में टोटल लॉकडाउन किया गया है, रात को 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, जहां पर वो स्टरलाइजेशन करते हैं, जहां पर वो कुछ दवाइयां डालते हैं रोड पर, और ताकि कोरोना वायरस का इफेक्ट कम कर सके। और दिन में भी मना किया गया है घर से बाहर निकलने के लिए, सिर्फ तभी निकले जब आपको बहुत ही जरूरत हो, यानी अगर आपको कुछ खाने पीने का सामान चाहिए, ग्रोसरीज चाहिए, तभी आप बाहर निकलो, वरना वो फाइन देते हैं आपको। अगला अपडेट है नखिल, जो कि एक मास्टर डेवलपर, एक बहुत बड़ा डेवलपर है यूएई का। उसने अनाउंस किया है कि वो 230 बिलियन दिरहम्स का कंट्रीब्यूशन करेगा, जो यानी कि उसके जितने भी प्रॉपर्टीज है ओवर यूएई, वो सबको ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड, जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तब से अभी तक, सारा रेंट जो है वो वेवर करने वाला है। वो इस जो पीरियड है उसका रेंट लेगा नहीं, उसमें वो इंक्लूडेड है उनके जो अपार्टमेंट्स में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, जो छोटे रिटेलर्स है जहाँ पर शॉप्स है, उनसे वो रेंट नहीं लेने वाले हैं। एतेसलात जो यूए का एक नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर है, उसने नूर बैंक के साथ एक जॉइंट वेंचर किया है, जो मनीग्राम के साथ मिल करके फंड्स ट्रांसफर करने वाले ओवर 200 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। अगला अपडेट है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसे एमओई कहा जाता है, उसने सारे प्राइवेट ट्यूशंस, जो ट्यूटर्स जाते थे ट्यूशंस लेने के लिए प्राइवेट घरों में, वो सारे बैन करवा दिए ड्यू टू कोरोना वायरस। आज यानी 2 अप्रैल को, थर्सडे को सुबह 10 बजे अबू धाबी से मेलबर्न के लिए फ्लाइट निकली है, जो एक स्पेशल फ्लाइट है। वहां पर उन्होंने कुछ ऑस्ट्रेलियन नेशनल्स को अपने घर भेजा है वापस, और जब भी वो अपने घर ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएंगे, मेलबर्न पहुंच जाएंगे, तब उनको 14 डेज सेल्फ क्वारंटाइन में रखा जाएगा। तो आज के इतने ही अपडेट्स थे। अगर आपको ये अपडेट्स पसंद आए तो इसको लाइक करना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर जरूर करना, और मुझे बताना कि आपको क्या देखना है अगला, क्या आपको इस तरह का कॉन्टेंट पसंद आता है। टिल देन, सी यू, हैव अ गुड डे।